दुख बंधन जानकी नंदन, सुन लो मेरी पुकार। राम हरे कृष्णा, मैं आ गया हूँ और कहीं नहीं सिर्फ वृंदावन कलश पर। आज हम फिर से हनुमान जी के विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हनुमान जी जब सीता मैया का पता लगाने घर से निकलते हैं तब उन्हें रास्ते में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऋषिगण और देवताओं ने एक बार सोचा कि हनुमान जी की परीक्षा ली जाए। उन्होंने सुरसा नामक राक्षसनी को बोला कि आप हनुमान जी के रास्ते में विघ्न डालो। अब सुरसा ने काफी विशाल राक्षसनी का रूप धारण किया और हनुमान जी के रास्ते में आ गई और बोली, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। हनुमान जी बोले, इस समय विघ्न मत डालो, मैं सीता मैया को ढूंढने निकला हूँ। तो राक्षसनी बोली, मेरे को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि मैं रास्ते में आने वाली किसी भी वस्तु को अपना भोजन बना सकती। हनुमान जी ने बोला, आप मुझे अपना भोजन बनाना चाहते हो, बना लीजिएगा, परंतु पहले मुझे सीता माँ को ढूंढने दो। इसके बाद बस हनुमान जी की मुलाकात फिर से एक और राक्षसनी से होती है जब वो लंका में प्रवेश करते हैं। रात का समय होता है, हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं तो वहाँ फिर उन्हें एक विशालकाय राक्षसनी मिलती है। अब राक्षसनी फिर हनुमान जी का रास्ता रोकती है और बोलती है, वो लंकिनी राक्षसी हनुमान जी का रास्ता रोकती है, बोलती है, नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें, मैं यहाँ की सुरक्षा कवच हूँ, हिम्मत कैसे हुई एक वानर की आने की। हनुमान जी बोलते हैं कि माता मुझे जाने दो, मैं यहाँ पर घूमने के वास्ते से आया हूँ। तो लंकिनी राक्षसनी बोलती है, घूमना है तो कहीं और घूमो, मेरी लंका में नहीं घूमने दूंगी मैं, यहाँ आने की आज्ञा रावण के बिना किसी को नहीं मिलती है, तुम छोटे से वानर यहाँ क्यों घूम रहे हो। अब हनुमान जी ने उनसे बहुत प्रार्थना की कि मुझे प्लीज यहाँ पे घूमने दो, जब मुझे मेरी पसंद की वस्तु मिल जाएगी मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अब लंकिनी को गुस्सा आ गया, उसने हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। बदले में हनुमान जी ने उस राक्षसनी पर प्रहार किया, परंतु ज्यादा प्रहार नहीं किया क्योंकि वह जानते थे कि वह स्त्री है, इसलिए उन्होंने उस स्त्री को क्षमा याचना करते उन पर ज्यादा प्रहार नहीं किया। वो लंकिनी पर जब हनुमान जी ने अपना प्रहार किया तो लंकिनी समझ गई, ये वही वानर है जो मेरा विनाश कर सकता है। मुझे एक बार स्वप्न में आया था कि एक वानर आएगा और वो वानर पे यदि मैं हार जाऊंगी तो वो पूरे लंका में रहने वालों का विनाश करेगा। मैं समझ गई हनुमान आप वही वानर हो, अब मेरे को समझ आ चुका है रावण का विनाश जरूर होगा। तो इस प्रकार लंकिनी उन्हें आगे जाने देती है। अब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर चुके हैं। जब वो लंका में प्रवेश करते हैं तो उन्हें काफी सारी गंदी गंदी चीजें देखने को मिलती हैं। तब हनुमान जी सोचते हैं, अरे यार मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मुझे क्या क्या देख। हनुमान जी सोचते हैं कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं ये सब क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं। परंतु हनुमान जी को समझ में आता है कि मेरा लक्ष्य एकदम पवित्र है, मैं सीता मैया को ढूंढने आया, इन्हें देखने नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये मुझे रास्ते में दिख जाती हैं। इस प्रकार से हमें एक ब्रह्मचारी की योग्यता पता चलती है। ब्रह्मचारी कभी स्त्री को देख के अपने आप को दूषित नहीं समझता क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि उसका लक्ष्य सिर्फ भगवान से मिलन करना है। अब यहाँ पर फिर उसके बाद राम राम हनुमान जी जब लंका में आगे बढ़ते हैं, काफी रात्रि हो जाती है, तो वो देखते हैं शैया पर एक सुंदर सी लड़की सो रही होती है। हनुमान जी छलने लगते, अपनी पूंछ घुमाने लगते, ये सीता मैया मिल गई, सीता मैया मिल गई। हनुमान जी सोचते हैं, सीता मैया अगर ये होती तो क्या ये इतनी सुंदर बन के सो रही होती, वो तो राम से इतना प्यार करती है, वो तो जरूर कोई दुखी देवी होंगी। अब वो फिर अपने रास्ते में आगे बढ़े, उन्होंने पूरी लंका ढूंढ डाली। हनुमान जी ने पूरी लंका ढूंढ डाली लेकिन सीता मैया का कहीं पता ही नहीं चल रहा। अब हनुमान जी सोच रहे, अगर सीता मैया ऐसा तो नहीं कहीं वो राम के वियोग में मर गई है या उन्होंने आत्महत्या कर ली है। उनके दिमाग में इतने बुरे विचार आने लगे, उन्होंने कहा मैं वापस नहीं जा सकता, वहाँ वानरों ने प्रतिज्ञा ली है कि मैं जब तक सीता मैया की सूचना नहीं लाऊंगा वो एक वहाँ पे खड़े रहेंगे, राम का क्या होगा, शत्रुघ्न लक्ष्मण वो तो सीता मैया के वियोग में ही मर जाएंगे। अब हनुमान जी परेशान होने लगे, यदि आज मैं
सीता माँ को यहाँ से नहीं लेके गया तो या तो मैं रावण का वध कर दूंगा, नहीं तो मैं यहाँ खुद ही आत्महत्या कर लूंगा। इस प्रकार फिर आगे बढ़ते उन्हें एक अशोक वाटिका नजर आती है। वहाँ देखते हैं दुखी देवी बहुत सुंदर और बहुत शोक से व्याप्त रो रही होती है। समझ जाते हैं मुझे क्यों लग रहा है ये सीता मैया है। वो एक पेड़ पे बैठ जाते हैं और राम का गुणगान करने लगते हैं। अब सीता मैया तो थोड़ा होश में नहीं होती है तो उन्हें लगता है कोई वानर है और वो जग जाती है। वो सोचती है मुझे तो स्वप्न में वानर के दर्शन हुए, वानर को देखना तो अशुभ होता है। राम भगवान ठीक तो है, मेरे घर में सब कुछ ठीक तो है। अब वो परेशान होने लगती है। फिर रावण आता है और सीता माँ को बोलता है क्यों अपनी जवानी खराब कर रही हूँ, मेरे पास आ जाओ, अभी भी समय है, इतना अच्छा शरीर मिला है, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता, जितने कटु वचन तुमने मुझे सुनाया है, अगर कोई और होता अब तक तो मैं उसे मार डालता, लेकिन तुम्हारी इतनी सुंदरता देख के मैं खुद मोहित हो जाता हूँ, इसलिए तुम्हें कुछ सुनाता नहीं। सीता माँ ने रावण के पीछे पीट करके मुकर के बोला तुम दुष्ट और अत्याचारी हो, नीति के विरुद्ध जाते हो, मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ राम चाहिए। फिर रावण वहां से चला जाता है। फिर हनुमान जी सीता मैया के पास जाते हैं और हनुमान जी सीता मैया के पास जाते हैं और उन्हें राम की सूचना देते हैं। तो सीता मैया बोलती है राम मुझसे प्यार नहीं करते क्या, बिल्कुल प्यार नहीं करते। तो हनुमान जी बोलती है ऐसा क्यों, क्योंकि वो मुझे अभी तक लेने नहीं आए, ये जानते कि मैं एक दुष्ट के हाथों में हूँ, मुझे लेने क्यों नहीं आए। तो वो बोलते हैं आपको राम जी जरूर लेने आएंगे, विश्वास रखिए वो बहुत ही जल्द आने वाले हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे।